नमस्कार। ईरान और इसराइल का युद्ध अटल हो चुका है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। वॉर कैबिनेट ने पलटवार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसराइली एयरोस्पेस फोर्सेस ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं वायुसेना की कई स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। वॉशिंगटन तक ये आशंका जता चुका है कि इसराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ये तो तय है कि इसराइल ईरान पर हमला ज़रूर करेगा, लेकिन हमला कैसे किया जा सकता है इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसराइली कैबिनेट ने 7 सुपर लीडर्स की टीम तैयार कर दी है और 4 चरणों में ईरान पर हमले किया जा सकते हैं। पहला प्लान हो सकता है संपूर्ण ईरान पर हमले का। इसके तहत ईरान के सैन्य ठिकाने, एयरबेस, नेवल बेस, सरकारी इमारतें और बड़े शहरों में हमले किए जा सकते हैं। और इसकी कितनी संभावना है, तो ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि केवल 25%, क्योंकि इस हमले से पूरे अरब में युद्ध भड़कने की आशंका है। साथ ही इजराइल के इस हमले से यूएस के नाराज होने का खतरा भी सामने आ जाएगा। दूसरा तकनीक जो है वो ये हो सकती है कि परमाणु युद्ध, यानी कि ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे हमलों की संभावना 20% ही जताई गई है, क्योंकि इन सभी ठिकानों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है। डर ये भी है कि ऐसे हमलों के बाद ईरान परमाणु पलटवार कर सकता है और इसके अलावा ईरान मिसाइल हमले कर सकता है। ये नियंत्रित हमले होंगे और इनके टारगेट पर महत्वपूर्ण इमारतें हो सकती हैं। इससे जान माल का कम नुकसान होगा और ऐसे हमलों के बारे में 80% तक संभावना जताई गई है, क्योंकि इस तरह इजराइल बिल्कुल ईरान जैसे पलटवार करेगा। ऐसे हमलों से ज्यादा बड़ा नरसंहार नहीं होगा। इस तरह का बड़ा युद्ध भड़कने से रोका जा सकता है। इसके अलावा इजराइल प्रॉक्सी संगठनों और ईरान के विदेशी ठिकानों को टारगेट कर सकता है, जैसे कि हिजबुल्ला, हूती और ईरानी दूतावासों पर हमले किए जा सकते हैं। इसके बारे में 90% तक संभावना जताई गई है, क्योंकि ईरान समर्थित संगठनों पर हमले करना सबसे सुरक्षित होगा और इससे इसराइल ईरान की ज़मीन पर सीधा युद्ध भड़कने से बच जाएगा। इन 4 तरीकों से हमले करने की जिम्मेदारी इसराइली मिसाइल फोर्सेस और वायुसेना की है, लेकिन नेतन्याहू की टीम ने मोसाद प्रमुख को एक सोची समझी रणनीति के तहत रखा गया है। इसराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा खुफिया टारगेटेड किलिंग ऑपरेशन भी चला सकता है, जिसके टारगेट होंगे ईरान के बड़े कमांडर और बड़े चेहरे। इसराइल ईरान पर मिसाइल और एयरफोर्स के हमलों के साथ साथ ईरान की सेना को नेतृत्वहीन बनाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह ऑपरेशन इसराइल के लिए ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि मिसाइल हमलों में अड़चन ये है कि ईरान पर मिसाइल हमले हुए तो ये कई देशों के एयर स्पेस से होकर गुजरेगी। वहीं जॉर्डन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके एयर स्पेस से ईरान या फिर इसराइल की मिसाइलें जाती हैं तो इंटर स्पेस कर देगा। ये वो अनुमान है जो कि अभी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसराइल कितना बड़ा हमला करेगा और कब करेगा इसकी मात्रा कल्पना ही की जा सकती है। बता देते हैं कि सच ये है कि इसराइल का पलटवार यहाँ पर तय है, और अगर इसराइल ने पलटवार किया तो यहाँ पर आधा आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है।